ये अगले 315 की गोली आप पहुंच जाएगी, जब बात हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे आएगी। चंद्रशेखर भैया धन्यवाद। ढलती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरा मजदूर, मेरा परिवार का व्यक्ति, किसान का मेरा सड़कों पे आ जाएगा, घर आ जाएगा। वो कैसे हो सम्राट हो? आपको पता है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हर जगह आपको जहां दिखेंगे प्रत्याशी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और तो और YouTube पर जितने सारे लोग हैं जो अगर कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो वो कॉमेडी वीडियो नेताओं पे बना रहे हैं, अगर कोई न्यूज चैनल है तो वो सारे के सारे नेताओं के ऊपर बना रहे हैं। तो हमने सोचा हमारे भी कुछ एक ब्लॉग्स जो है वो नेताओं के ऊपर ही रहे, और हमारे दलित दास्तान का अगला एपिसोड जो आने वाला है उसमें भी मैं नेता बन रहा हूँ। मुझे ऐसा पता चला है कि पिछले एक दो दिन से चंद्रशेखर आजाद जो है वो ग्वालियर वाले इलाके में घूम रहे हैं। मिलेगा तो चंद्रशेखर आजाद से? बिल्कुल, क्यों नहीं, पक्का बिल्कुल। सेल्फी चाहिए? नहीं, सेल्फी तो ले चुके आप, नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी में दम नहीं है इतना कि इतनी तेज चल सके, लेकिन कोशिश करते हैं पकड़ने की। चलो मेरे समझ में तो आया नहीं है ये ऐसे तोलते क्यों, कभी केलों से, कभी खून से, कभी फलों से, ये क्यों तोलते हैं? प्यार भैया के लिए तोलते थे पहले सिक्कों से, ऐसा पेपरों में देखा मैंने। नहीं तो इससे होगा क्या तोलने से, ये तो यही बता सकते हैं। अब ये केले उनको दे दो जिनको जरूरत है, जिनसे उनका पेट भर जाए। चलो ध्यान से, चलो भाई आराम से, आप बांट दो बांट दो। लाओ मैं भी एक केला खा लूं इनमें से। हैं क्या खा रहे हैं? फूड कैंसिल भी है। पैंथर इधर आ, इधर आओ। 315 की गोली और पार जाएगी, क्या जी 315 की गोली और पार जाएगी, जब बात हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे आएगी। चंद्रशेखर भैया धन्यवाद। सबसे इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? एक बार मेरे साथ बताओ आपका निशान क्या है, बताओ जोर से बताओ। तो हम नारा जो देते हैं वो भी सुनो कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। जब आप वोट डालने जाओ तो इनके 4000 बच्चों की कुर्बानी को याद रखना, और इनके संघर्ष को याद रखना, और आज जो अधिकार हमें मिले उसको याद रखना कि अगर ये रहबर महापुरुष ना पैदा होते, ये महलों में पैदा हुए क्या, बताओ। ये तो गरीब घर में जन्मे और तमाम तरह का अपमान सह के आगे बढ़े। अगर दामोदर भाई यहाँ से मजबूत होकर चले गए तो आपकी एक एक समस्या को विधानसभा में ऐसे शेर की तरह दाड़ दाड़ के बताएंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। रोड शो की तरह एक खुली जीप में घूम रहे हैं, आवाज हो सकता है थोड़ी क्लियर ना आए, लेकिन भाई ये साहब काशीराम ने बोला था कि लीडरशिप जो है लोगों में पैदा कीजिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? देखो, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, और 230 विधानसभाओं में जहां जहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संगठन है, हमने प्रयास किया कि वहां से हमारे लोग चुनाव लड़े। जहां दूसरी पार्टियां धन बल के आधार पर सक्षम लोगों को चुनाव लड़ा रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता, जिला लेवल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते। मैंने उनको इसलिए भी नहीं रोका चुनाव लड़ने से क्योंकि अभी वो सीखेंगे, अभी हमारे लोग राजनीति को उस तरह समझते नहीं। राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ज्यादातर लोग पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ, राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति करने के लिए देश में जो लोग राज कर रहे हैं वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और हमारे लोग नए हैं, तो जैसे धीरे धीरे सीखेंगे, सीख के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने उनको नहीं रोका, मगर मैं मानता हूँ
कि इस चुनाव के बाद बहुत सारे नए लोग तैयार हो जाएंगे जो राजनीति को समझेंगे और राजनीति करने के लिए तैयार होंगे। और जिस दिन हमारे लोग राजनीति करने के लिए तैयार हुए तब उस दिन मध्य प्रदेश और देश में कमजोर वर्गों का राज होगा। अभी तो राजनीतिक लोग कम, ठेकेदार लोग ज्यादा हैं। काशीराम साहब कहते थे कि असली लोकतंत्र या बहुजन राज तब आएगा जब गरीब के बेटे विधायक और सांसद बनेंगे, जब मिशन के काम करने वाले मिशनरी लोग लोकसभा और विधानसभा में जाएंगे। तो हम उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि साहब ने तो कहा ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। आज हम तीन लोग आपके सामने, इधर मैं चंद्रशेखर आजाद, यहाँ दामोदर यादव, और आपके पीछे एडवोकेट रविंद्र कुमार पांडे। ये दलित पिछड़ों की संयुक्त लीडरशिप है। इसके परिणाम कितने मजबूत होंगे ये आपको अभी रास्ते में देखने को मिलेगा। मैंने फिर कहा, समाज जब तक समाज जिसके साथ जुड़ जाता है उसको आसानी से छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ता है उसको पकड़ता नहीं। धीरे धीरे समाज जुड़ता है, धीरे धीरे समाज जाता है। आज ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पैसे बुलाए की भीड़ नहीं, और ये प्रोग्राम 3 बजे का था, और अब तो लगभग 5:15 हो रहे हैं, 5:18 हो रहे हैं। अभी ये लोग सड़कों में खड़े हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि वो कितना प्रेम करते हैं भीम आर्मी संघर्ष से। और मैं लिख के देता हूँ कि दामोदर यादव को धनबल से भी रोक नहीं पाएगी यहाँ की विधानसभा के जो लोग हैं। आपके पास सबसे अच्छा मौका आया, मजबूत प्रत्याशी और मेहनत करने के लिए हम सब लोग अपने व्यक्ति को आगे बढ़ा के और ताकत बना लो, क्योंकि ये फैसला अगले 5 साल के लिए है। और देखो, नेता बहुत विधायक जीत रहे हैं, तमाम तरह के पहले भी विधायक जीते हैं, लेकिन अगर आपके बीच का नहीं खड़ा हुआ तो आपकी समस्या के लिए कौन लड़ेगा? ढूंढा नहीं मिलेगा आपको राजा महाराजा। राजा महाराजा को छोड़ो, लोकतंत्र दिया ना बाबा साहब ने, तो आपकी वो आपके हाथ में ताकत है ना, तो दो ताकत इस बार। और बाकी काम करने के लिए मैं, दामोदर, रविंद्र भाई, तब सब मिलेंगे आपको मैदान में, ठीक है? आप सबके लिए मंगल कामना है। तो लोकतंत्र में राज के लिए तलवार थोड़ा ही चलानी है यार, किसी को लाठी थोड़ा ही मारनी है, किसी को अफसर थोड़ा ही कहने है। जनता को जोड़ के और उनकी वोट को संगठित करा के अपने अपने प्रत्याशी को दिलानी है। और ये काम इस बार हम बहुत मजबूती से कर रहे हैं, और मैं, मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी का खाता सेवड़ा से सबसे पहले खुलेगा। सेवड़ा से आपको यकीन है? पूरा भरोसा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि सेवड़ा में हमारे प्रत्याशी को रोकने के लिए भाजपा कांग्रेस एकजुट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा हूँ MLA तो यहाँ बहुत थे, लेकिन जब यहाँ के कमजोर वर्गों पर अत्याचार हुआ कौन खड़ा था उनके साथ? 2 अप्रैल 2018 का जो अन्याय हुआ आप जानते हैं, इस क्षेत्र में, इंद्रगढ़ में और सेवड़ा में दामोदर यादव उनका नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारे भाई। अच्छा, हाँ, और इसके लिए यहाँ की पूरी बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ गई, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और पूरे जोर भी लगाए मुकदमा चलाने के। लेकिन किस बात के लिए मुकदमा चलाओगे? प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सरकार थोड़े रोक देगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लोग अच्छा बुरा और अपना पराया जानते हैं। अब लोगों को फैसला लेना है कि उनको कैसा विधायक चाहिए, ऐसा जिसको वो किले में ढूंढने जाए, या फिर ऐसा जो उनके लिए, जनता के लिए सड़कों मिले। कल आपको पता है हमारे प्रत्याशी मुकदमा हुआ, किस लिए हुआ? जो किसानों के, उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे थे, 3100 रुपए की फसल खरीद के 2800 रुपए पेमेंट हो रहा था, तो वो उनके लिए संघर्ष करने गए, परिणाम मुकदमा मिला। लेकिन हिम्मत नहीं टूट रही है, देखो ये हौसला बता रहा है कि सेवड़ा हम लोग। बड़ा भाई चंद्रशेखर भैया, समय कम है, सभा में जाना है। अगर वास्तविकता में जिंदाबाद करना चाहते हो तो 17 तारीख को तुम्हारी EVM का बटन केतली पे धस जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, वरना ये मौका दोबारा कब आएगा? 5 साल बाद। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, समझ रहे हो? को देखा एक बार, कभी बार केतली। ठीक है, तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, हिम्मत करो भाई। अभी अभी मतलब आपको गोली लगी थी और आप ऐसे खुलेआम रोड शो कर रहे हो, डर नहीं लगता आपको? वो भी इतने ज्यादा, बिल्कुल ओपन जीप है। बुद्ध ने कहा मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु आनी, जो पैदा हुआ उसको जाना। डर के अगर जीऊंगा तो शायद उनके लिए, उनमें वो हौसला नहीं पैदा कर पाऊंगा जिनके लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं डर के छिप गया तो शायद वो फिर दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए। तो मेरी माँ ने और मेरे परिवार ने मुझे डरना नहीं सिखाया, और मेरे लोगों ने मुझे कहा
कि आप आगे बढ़ो। एक चंद्रशेखर आजाद जाएगा, लाखों तैयार होंगे। अगर ऐसे पहले डरे होते तो क्या आजादी मिलती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डरने का मतलब ही नहीं है ना। ना तो जिंदगी इन्होंने दी, ये ले सकते हैं वो कुदरत के भरोसे। कुछ चीजें प्रकृति के ऊपर छोड़ी है मैंने, कुदरत के। ना मैं कोई गलत काम करता हूँ जो मेरे साथ कोई अन्याय है। हाँ, प्रयास जरूर दुश्मन कर रहे हैं। अगले 10 साल बाद आप देखना, राष्ट्रीय स्तर का हर समाज का नेता आपको आजाद समाज पार्टी के मंच पर दिखाई देगा, और वो नेता होगा जो अपने समाज के हितों के लिए लड़ेगा। हर ये गांव, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरा मजदूर, मेरा परिवार का व्यक्ति, किसान का मेरा सड़कों पे आ जाएगा, घर आ जाएगा वो। बिल्कुल। कि जब वो गुर्जर आंदोलन हुआ था, मैंने देखा था आपके हाथों में ना बहुत सारे सुइयां और वो सब लगी हुई थी, तो क्या परिस्थिति थी, आप किस परिस्थिति में उठ कर आए थे? देखिए, मैं अंजुल भाई पिछले 2-3 महीने से बीमार था काफ़ी, और मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं हॉस्पिटलाइज था ICU में। अच्छा। लेकिन क्योंकि 12 अक्टूबर का आंदोलन था, और ग्वालियर के अंदर जो पुलिस ने और सरकार में बैठे कुछ नेताओं ने जो एक समाज को तोड़ने का, मनोबल तोड़ने का, उनको हतोत्साहित करने का, एक दमन करने का जो प्रयास किया था, उससे मन व्यथित था। अब डॉक्टरों ने मना किया था कि आप ग्वालियर नहीं जा सकते, लेकिन अपने बहुजन समाज को, जिसमें SC ST OBC के सभी भाई पिटे, रासुका लगी दलित भाइयों पे, हमारे यादव भाई पिटे, गुजर भाई पिटे, बहनों के साथ अत्याचार हुआ, बुजुर्गों के साथ उनको पानित किया गया, और 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दायर किया गया, और ग्वालियर शहर से सम्मानित सम्मानित सब लोग गायब हो गए, क्योंकि पुलिस पता नहीं किसका उसमें अज्ञात में नाम लिख दे। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मेरी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लोगों का, हमारे बहुजन समाज का, हमारे गुजर समाज का, उनके मनोबल को बचाना था। इसी को लेके हम 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी और हम पहुँचे। हमारे लिए चुनाव बाद में आचार संहिता लगी हुई थी, आपने देखा कि आचार संहिता में कभी देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। हो सकता था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। हो सकता है कि हमारी पार्टी दोनों स्टेटों में चुनाव से वंचित रह सकती थी, लेकिन हमें चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वोट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उनका मनोबल डाउन हो जाता तो वो शायद बहुत दिनों तक ना उठ पाते। उस शोषण के खिलाफ हमारी वो लड़ाई थी और हमने गिरफ्तारी दी, उससे तमाम प्रशासन ने सारी बातें मानी, और आज गुजर समाज के बहुत भाइयों की जमानत भी हुई है। जमानत हुई है, और जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे वो ग्वालियर में लौट आए, जो डरे हुए थे पता नहीं किसका नंबर आ जाए, किससे पुलिस उठा ले, वो सब खत्म हो चुका है। तो हम तो 15 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएगा अंजुल भाई। बिल्कुल। और ये जो चुनावी बरसाती नेता है ना, मेंढक की तरह ट्रैक्टर करके 15 दिन बाद अपने घरों में बिलों में घुस जाएंगे, लेकिन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और दामोदर भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सड़कों पर जैसे पहले संघर्ष करते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, वो हमारी जंग जारी रहेगी। वोटों के लिए मतलब आप ये समीकरण बिठा रहे हैं क्या, जैसे जाटा, बूचर और यादव? देखिए, समीकरण बिठा नहीं रहे, ये तो बिठा हुआ है, ऑटोमेटिक बन गया, नहीं बना हुआ है ये, तो केवल हमें अपने भाइयों को जागृत करना है, हमारे लोगों को उनकी ताकत याद दिलानी है। आप इतनी संख्या में मध्य प्रदेश में है, 90% यदि जातिगत जनगणना हो जाए तो बिहार से ज्यादा यहाँ जनसंख्या निकलेगी, और आप पे चंद लोग ना जातीय आधार पे, ना किसी को हिस्सेदारी दे रहे हैं, ना राजनीतिक प्रतिनिधि दे रहे हैं। 8-8 हजार वोट वाले लोग यहाँ MP MLA बने हुए हैं 5-5 बार से, लेकिन अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज जाग रहा है, संगठित हो रहा है, संघर्ष कर रहा है। आने वाले समय में देखना यहाँ बहुजन राज कायम हो। चंद्रशेखर भाई आए हो, मैंने ये असल बहुजन समीकरण यहाँ है, किस क्षेत्र का यादव प्रत्याशी है, और दलित और गुजर समाज अपने कंधों पे बिठा के इनको विधानसभा भेजेगा। आप देख रहे, अगर जातिगत जनगणना जैसे भाटी जी कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि यहाँ 92% होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग, और अगर ये जातिगत जनगणना यहाँ हो जाए तो उनको पता लग जाएगा कि उन पर मुठ्ठी भर लोग राज कर रहे हैं।
जिस चाबी को से वो अपने आप ताले खोल सकते हैं, उस चाबी के वो चाबी भी उनके पास नहीं है और दूसरों के दरवाजों गेटों के बाहर खड़े हुए हैं। ये जो गेट हमारी बैरिकेडिंग लगा के हमारे अधिकारों से हमें रोका गया है, इसको हमारे लोग इस बार तोड़ देंगे। देखने एक नया सवेरा, एक नई रोशनी जो है मध्य प्रदेश में पैदा होगी और उसके परिणाम ये होंगे कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी हम विकल्प बनेगी। 2-4-10 सीटें जीतने वाली पार्टी नहीं, विकल्प बनेगी। ठीक है, बस वो विश्वास, जो विश्वास अक्सर कई बार टूटा गया बहुजन के नाम पे, जो टूटा, जो आंदोलन एक जाति तक सीमित कर दिया गया जानबूझ के, माननीय काशीराम साहब का सपना ना पूरा हो, महापुरुषों का सपना ना पूरा हो, उसको उसके साथ वो छल नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से वो काम हो, तो मैं लिख कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है बहुजन, यानी कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हम अपने भाइयों को कुर्सी भी देंगे, पद भी देंगे, MP MLA बनाएंगे, तो वो हिस्सेदारी मजबूत हो, भविष्य मध्य प्रदेश में बहुजन राजनीति का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। साहब भाषण दे रहे थे, उनके साथी नारा लगा रहे थे, काशीराम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। तो साहब ने क्या कहा पलट के बताया तुम्हें? साहब ने कहा अगर तुम लोग साथ हो जाओ तो संघर्ष करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये बार बार लाइट चली जा रही है ना, देखा आपने, इस हर चीज का इंतजाम, इससे ज्यादा रोशनी तो आपकी जिंदगी से चली गई। इस रोशनी का इंतजाम तुम लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जला के करो, जितने लोग यहाँ बैठे अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ, देखते परमानेंट के लिए रोशनी हो जाएगी। जब तक हमारी बात चलेगी आप देखना बढ़िया सभा होगी, सब लोग इस सभा में याद रखेंगे। अपने मोबाइल की टॉर्च जलाओ और ध्यान हमारी तरफ करो और फिर देखो कितना बढ़िया माहौल बने यहाँ, आपके भी चेहरे पे रोशनी आ जाए और हमारे चेहरे पे भी रोशनी आ जाए। और ये केतली आपको राजीव के चिराग जैसी लगती है, लगती है लगती है। और जब आप राजीव का चिराग देखते थे ना टीवी में, उसको रगड़ते तो क्या कहता है उसमें से निकलने वाला आदमी, क्या कहता है? क्या हुक्म मेरे आका। देखो इस बार केतली रगड़ो तो कितने लोग निकले, 3। पहली बार में दामोदर यादव, दूसरी बार में रविंद्र भाटी और तीसरी बार में आपको अपनो चंद्रशेखर आजाद तय करने। ठीक है, हो जाए। हमने तो जितने भी टिकट दिए सारे बहुजन समाज के लोगों को दिए। अगर हमारे लोग तैयार होते तो यहाँ के कितने कुशवाहा के बेटे, कितने पाल के बेटे, कितने प्रजापति के बेटे, कितने मौर्या के बेटे, कितने शाक्य के बेटे, कितने गुजर के बेटे, यादव के बेटे, कितने रावत भीड़ के बेटे विधायक एमपी बनते, उनको एहसास ही नहीं। अभी आने वाले कल में हम करके भी दिखाएं, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, उनको देख के दिखाए। और उतने ही विधायक 90% से ज्यादा वाली आपकी 90% ज्यादा विधायक एमपी आपके सदन में पहुंचा के दिखाए, ये दिन आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय मंगल, जय संविधान, जय जोहार, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ अंजुल हो, मैं हूँ, मेरे साथ भाटी जी हैं और भी हमारे सीनियर लोग यहाँ हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं हमारी ट्रेन, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमित कसाना जी, हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। और ये ट्रेन से हम लोग जाएंगे आज इंदौर सुबह, क्योंकि पहले हमने कोशिश की थी, क्योंकि हमारे 90 ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभा कर सकें। वो तभी संभव था जब हम पे उस तरह के साधन, तो हमने कोशिश की कुछ पैसे जुटा के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर लें, लेकिन वो नहीं है। और क्योंकि प्रचार का साधन इतना महंगा है, फिर हमने तय किया कि आज के भी सारे प्रोग्राम ने बाय रोड किए। आपसे मैं यही पूछने वाला था,
जो आपके सामने हैं जिससे आपको लड़ना है, बीजेपी कांग्रेस जिनसे आपको मुकाबला है, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं और वो लोग जो हैं वो ज्यादा सक्षम है और बहुत स्पीड से सभाएं कर रहे हैं, और आप अभी जो दूसरी सभा लेने जा रहे हो वो ट्रेन से जा रहे हो, तो आप कैसे जीत पाओगे उनसे? देखो, जीतने के लिए मैं समझता हूँ जनता को तैयार करना जरूरी, वोट जनता को देनी, वो हेलीकॉप्टर से जाएं, हवाई जहाज से जाएं या किसी भी और साधन से जाएं। और हमारा प्रयास ये है कि हम भी कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हमने मेहनत की है अंजुल, पिछले 4-5 सालों में लगातार यहाँ मेहनत की है, बड़े आंदोलन किए हैं, लोगों में विश्वास हासिल किया, भाईचारा पैदा किया। हमने OBC महासभा की तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, हमने आदिवासियों पर जो अन्याय अत्याचार वो लड़े, शेड्यूल कास्ट की हर समस्या में हम लोग खड़े रहे, माइनॉरिटी के साथ कोई समस्या हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे CA का मामला हो, या कोई भी ऐसा इशू हो हम उसमें खड़े रहे, किसानों के इशूज में खड़े, हमने काम किया है। अब हम इसलिए जा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, तुमने देखा कि बहुत सारे प्रत्याशी हमारे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हाँ, और उनको उनका स्टेज देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत उस स्टेज को बनाने में उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये सच है कि आज का जो लोकतंत्र है वो जिस लोकतंत्र की कल्पना उम्मीद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी कि भाई राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में बदले, तो वो अभी तक नहीं बन पाया कि गरीब का बेटा भी उसमें आगे बढ़ सके। अभी तो कंपटीशन है, अगर सामने वाला, जैसे मैंने एक प्रत्याशी से पूछा कि तुमने कितनी गाड़ी चलाई प्रचार में, वो कह रहा है कि मैंने 8-9 गाड़ी चला रखी है। तो मैंने कहा सामने वाला, तो उसने कहा उसने 200 गाड़ी चला रखी है। तो मैंने कहा अगर उनका काफिला गुजर जाए तुम्हारे पास से तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। तो उसने कहा बिल्कुल। फिर मैंने उसका हौसला बढ़ाया कि देखो तुम्हें लोगों के बीच जाना, उन पर बड़े प्रचार के साधन हैं, पैसे वाले लोग, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अंत इस लड़ाई को लड़ना था, क्या तो हम हार मान जाए। और फिर जब हम जिनको हम महापुरुष मानते हैं, ज्योतिबा फूले हों, बाबू साहब हों, मामला राव सुन वर्मा हों, सर छोटू राम हों, चौधरी चरण सिंह हो, तो या माने और काशीराम साहब, दीना भाना वाल्मीकि साहब हों, तो उन सब लोगों ने तो बिना बहुत कम साधनों से इस लड़ाई को सींचा है। आज तो फिर भी हम पे गाड़ी है, वो अलग है कि अपनी नहीं है कोई भी, हमारे साथियों की है, लेकिन फिर भी ये प्रयास था कि उन गाड़ियों के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक समय तो वो था कि माने काशीराम साहब ने चला, जब उनसे पूछा गया सवाल के तौर पर कि आपको सबसे सस्ता साधन कौन सा दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा एक समय था कि मेरे लिए साइकिल भी बहुत महंगा साधन था। एक स्टोरी मैंने उनकी पढ़ी कि 5 पैसे साइकिल के रिपेयरिंग के लिए बनी थे, पंचर लगवाने के 50 पैसे। और एक समय ऐसा आया कि वो हेलीकॉप्टर कहते मैं, अब हेलीकॉप्टर मेरे लिए सबसे सस्ता है, उसको आदेश करता हूँ, वो तत्काल ले आता है, कहीं भी जाना होता है उसको सिर्फ बताना होता है, मुझे लेके चला जाता है, मैं थोड़ी देर वहाँ पहुँच जाता हूँ। और क्योंकि अभी हमारी पार्टी छोटी है, उस तरह के साधन नहीं है, उस तरह के रिसोर्स नहीं है, हमारे कार्यकर्ता अपने सक्षम नहीं है, कार्यकर्ता समाज ही सक्षम नहीं है। अगर आप एक्चुअल स्थिति देखोगे बहुजन समाज की, 10% लोग तो हैं जो मिडिल क्लास में आ पाए हैं, 10-15% लोग, बाकी 85% लोग तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी के, शेड्यूल ट्राइब के, वो तो अभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वही तो हैं जिनको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देने की सरकार स्कीम कह रही है सेंटर, तो वही तो वो लोग हैं। तो उनको वो तो वास्तविकता में हमारे समाज का पूरा ही समाज कमजोर है। तो इन्हीं साधनों से हमें लोगों को जागरूक करना है, जहाँ दुश्मन पैसे के आधार पर चुनाव लड़ेगा वहाँ हम विचार के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता हमारे सारे प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत लड़ रहे हैं जीतेंगे भी, और जो हमारे नौजवान लोग हैं वो सीखेंगे भी। अब सीखना भी तो पड़ेगा ना, एक वो है जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ राजनीति करती है, एक हम लोग हैं जिनके जिनके बाप दादा कभी सरपंच भी नहीं बने, तो मगर इसका मतलब थोड़ा ही कि अगर कोई किसी के घर में कोई IAS नहीं बना तो कोई IAS की तैयारी नहीं करता है या टेस्ट नहीं देता है, तो देता है ना। मैं आपके घर आया था, मैं आपके घर आया था और मैंने वहाँ देखा कि एक साधारण सा घर था, छोटी सी गली में। लोगों को लगा होगा कि मैंने तुमसे कुछ सेटिंग वेटिंग करके वो कोई पुराना घर दिखा दिया अपने। नहीं नहीं, वो गली से आपने सोचा था कि इतनी बड़ी पहचान बन जाएगी, ये वो कैसे बन पाई, वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आपके अंदर आई? छात्र राजनीति की है वो, मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि वो क्वालिटी हमारे जितने युवा हैं उनके अंदर भी डेवलप हो। सभी के अंदर है, बस अपने डर को पीछे छोड़ना होता है और तय करना होता है कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कुछ घटनाएं मेरी लाइफ की हैं, उन्होंने मुझे बड़ी शक्ति दी। और जो जिस तरह का अन्याय मैंने से सहा, 16 महीने जेल में रहना, फिर 2-2 बार तिहाड़ जेल में रहना, लाठियाँ खाना, अपमानित होना, रोटी नहीं मिलना, दवाई नहीं मिलना, बहुत तरह की चीज़ें मैंने सही। चाहता मैं टूट भी सकता, सरकार ने सोचा था टूट जाए, लेकिन टूटा नहीं। तो जैसे लीडरशिप की बात की, मैंने छात्र राजनीति की बहुत कुछ सीखा। उससे पहले मैं जो हमारे यहाँ पे जो धार्मिक आयोजन होते थे, सदगुरु रविदास जी महाराज के, बुद्ध के, उन सब आयोजनों में मैं हिस्सा लेता था। सामाजिक रुचि मेरी पहले से थी,
और उसके अलावा जो है हमेशा मैं जैसे मैंने क्रिकेट खेला, मैं अपनी टीम को मैंने फर्स्ट डाउन आता था, ओपनिंग भी बाद में तो ओपनिंग भी मैंने की, तो ये स्पोर्ट भी एक बहुत बड़ा माध्यम है आपको आपके अंदर विल पावर पैदा करने का। अब देखो कल का जो मैच है, मैंने अपनी सभा में कहा, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहा कि देखो उस मैच से पहले मैं अफगानिस्तान को चाहता था वो जीते, क्योंकि वो कमजोर टीम है और वो नए लोग मेहनत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम है, 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप जीते हैं और वो उनके पास उतने रिसोर्स भी नहीं है, उतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं, फिर भी उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, तो मैं चाहता हूँ जीते। लेकिन फिर मैंने एक समय मैंने महसूस किया, मुझे गुस्सा आया कि उन लोगों ने लापरवाही बरती, उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उनको सही तरह अदा नहीं किया, वो लापरवाह हो गए, उनका अंत है, एक उनकी गलती उनको हार की तरफ लेके गई। और मैंने कमिटमेंट देखा मैक्सवेल का कि वो आखिरी तक उसके पैर जवाब देंगे, सब कुछ, ये होता है योद्धा की का स्ट्रगल, हर परिस्थिति में वो चाहता था जीते। और इसी यही बात जो है, ये जो कमिटमेंट है कि बाबा साहब अम्बेडकर मानो काशीराम साहब का सपना पूरा करना, इतने आरोप, इतना अपमान, इतना झूठ फरेब सब कुछ सहने के बाद भी, और अब तो चार चार गोली जो है चलाई गई, गोली लगी भी मुझे, उनके बाद भी मैं डटा हुआ, उसको एक कमिटमेंट है जो मैंने अपने फादर से किया, जो मैंने सोसाइटी से किया, जो मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानो काशीराम साहब की मूवमेंट से किया। और जब तक वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता तब तक मैं उसमें जी जान से लगा हूँ, उस समय पीछे नहीं हटने वाला। मैं मतलब आज पूरे दिन में बहुत सारे लोग ऐसे मीडिया वाले हैं जो चाहते हैं कि एक इंटरव्यू मिल जाए, वायरल हो जाए, लेकिन मैं ये देखना कोशिश करा आज दिन भर में कि ऐसा क्या है आप में कि इतने सारे लोग आपसे जुड़ जा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस भी की, आप लोगों को बोलते हो बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं, बहुत कम लोगों में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, वो प्यार करते हैं और वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं मेरी। दिन भर मैंने यही नोटिस किया कि ऐसा क्या है आप में। अच्छा वो देखो वो मेरे कहे से सारे काम करते हैं और ये उनकी हिम्मत तो मुझे ताकत देती है। जब मैं कभी कभी उस तरह निराशा की तरफ जाता हूँ तो मेरे साथी मुझे व्हाट्सअप कॉल, मैसेज या उस तरह से परिवार के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे ताकत देने का काम करते हैं कि भाई वो मैं जो है अपने काम को जिम्मेदारी से करूं। और मैं फिर कहता हूं मुझे सबसे बड़ी हिम्मत देते हैं भीमारवी आज़ाद समाज पार्टी के वर्कर और हमारे लोगों के साथ जो अन्याय है उनकी आज उनके हालात हैं वो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं कि भाई मेरे जैसे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इन हालातों से निकले, उसके लिए हमारे जैसे लोगों को मेहनत करनी चाहिए। तो आई एम डूइंग माई ड्यूटी, बहुत शानदार, वी ऑल आर डूइंग आवर ड्यूटी सोसाइटी के प्रति और अपने स्टेट और कंट्री के प्रति, जो हमारी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको हम लोग कर रहे हैं। और ये जो अच्छा काम है बहुत मज़ा आता है। तुम्हारा जो एक आज का सवाल था कि गोली खाई तो डर नहीं लग रहा है तो खुले आम जीप में घूम रहे हो आप कि यहाँ क्या है? कोई दूर से भी, यहाँ तो फिर भी ये है ना रूम है ये और वहाँ से तो कोई भी दूर से फिर से गोली मार दे। अब देखो कितना लंबा ट्रेन का सफर है, 550 किलोमीटर का लगभग ट्रेन का सफर है और सोना भी है, तो कुछ चीज़ें तो आपको अपने मन से निकालनी पड़ेगी। और मैं भय और ये सब चीज़ें बचपन से मेरे उसमें नहीं थी, इस माहौल में पैदा ही नहीं हुआ, इस माहौल में मैं जिया ही नहीं, जन्मा ही नहीं, अपने क्षेत्र में रहा, तो अब उनका मतलब ही नहीं बनता, मौत तो एक दिन आनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अब लोग रुकने वाले नहीं, अब बहुत हो गया। मैं जब नौजवानों को देखता हूँ उनकी हिम्मत को, उनकी संघर्ष को, मोटरसाइकिल पर डटते हैं, जोर लगा लगा मोटरसाइकिल चला के नाना लगाते हैं, धूल मिट्टी तो पता मुझे आके नाना पड़ा। अच्छा, मेरे पूरे बाल और पूरा चेहरा सब सन गया, उन्होंने वो कपड़ों पे सब नीला रंग डल गया, तो मुझे नहाना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मैं उनकी हिम्मत को देखता हूँ, उनके हौसले को, उनकी उम्मीद को देखता हूँ, उनकी इच्छा शक्ति को, कमिटमेंट को देखता हूँ कि उनको वो तेल के पैसे क्या कहाँ से लाते हैं। ये बात भी है, उनको कोई देता थोड़ा ही है, वो इतनी हिम्मत जब जुटा रहे हैं तो फिर मेरे जैसे आदमी पीछे कैसे हट गए। अब जब तक उनके चेहरों पर हंसी नहीं आती, अभी आपको क्या सोचते हैं कि चुनाव में क्या रिजल्ट होगा और क्या इस पे आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? भाई हम इतना पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप। हाँ, पहली बार, और हम मुझे लगता है इस चुनाव में जो काशीराम साहब कहते थे यहाँ के चुनाव के, मैं कह रहा हूँ पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, अभी हम इस चुनाव में तीनों कंडीशन में कुछ सीटें ऐसे जिनको हम जीत रहे हैं। उसमें बीजेपी कांग्रेस को एक होना पड़ेगा हमें हराने के लिए, ठीक है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें हम अच्छे वोट ले जाएं, कुछ सीटें जिनमें हमें बहुत कम वोट मिलेंगे। मैं समझता हूँ ये प्रत्याशियों के ऊपर भी और वहाँ के संगठन के ऊपर भी, वो जिस तरह की मेहनत करते हैं, मुझे इस बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे लोग जो हैं बहुजन समाज के, वो वोट की वैल्यू को नहीं समझे। जब उनको चुनने का मौका आता ना तो अक्सर वो पावर और पैसे में से पैसा चुनते हैं,
जिस दिन उन्होंने पावर को, जिस तरह काशीराम साहब ने जो आग पैदा कर दी थी, पैसा नहीं उनके पास भी, हाँ, उनकी भी मजबूरी है। दुश्मन इस बात को जानता है, दुश्मन इस बात को जानता है और दुश्मन इस बात को लंबे समय जानता है। जब डॉक्टर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया और दुश्मन की रणनीति ये थी कि इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, चलता भी रहा। अब फिर याद करो कि मान्यवर काशीराम साहब ने नारा क्यों दिया कि वोट की रक्षा, बहन बेटी की रक्षा कैसे करनी है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, वोट को बर्बाद नहीं करना, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। तो वो समझ गए थे यार हमारा वोट बिकता है, फिर उन्होंने तैयार किया कि वोट बिकना बंद हो गया। लेकिन फिर ये पुनः अभी स्टार्ट है और इसको रोकने का काम हमारा है। स्वामान सम्मान और लड़ने की हिम्मत पैदा होगी तो लोग वोट बेचना बंद कर देंगे। और जिस दिन वोट बिकना बंद हुआ और वोट पावर के लिए देना शुरू हुआ, उस दिन देख लो, उस दिन होगा परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो कमजोरों को इस देश में अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। मध्य प्रदेश बहुत जॉब भूमि है अंजू, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर जो 12 तारीख को जो देखा हमने, 2 अप्रैल को जो हमने देखा, उससे बहुत ऊर्जा भी मिली और लगा भी कि यहाँ बहुत ताकत है। आज काफी अच्छा लगा भाई। फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर जब आप आएंगे तो हम फिर से done. साथ में रहेंगे। मैं आ रहा हूं वापस 14-15 तारीख को। 14-15 तारीख को आ रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है भाई। आटे जी ऑल द बेस्ट। जय वीर। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं tathagat.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को A.C. अम्बेडकर पढ़ाइए, कहाँ से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अंबेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा tathagat.live पर। tathagat.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।